गाइस अभी आने वाले कुछ सीज़न के अंदर देखने को मिलेगा आपको कि डॉग के प्राइस में काफ़ी हद तक आपको कम प्राइस देखने को मिलेंगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अंडर 20,000 रुपीज़ में कौन कौन से बेस्ट डॉग ब्रीड आपके लिए आ सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो नंबर वन पे आता है वो है कि जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड काफ़ी प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड होते हैं, काफ़ी लविंग नेचर के डॉग ब्रीड होते हैं और ये अपने आप प्रोटेक्शन के लिए आप बोलोगे तो काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी होते हैं, नई एक्टिविटीज करते रहते हैं और जैसे कि 2 BHK हाउसेज, फ्लैट में, अपार्टमेंट में अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी हद तक रह सकते हैं। बट इनका डाइट खास करके आपको इनके डाइट के ऊपर, इनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है। और इनका जो प्राइस होता है वो चालू होता है 8,000 से लेकर 12,000 के बीच में आपको जो उसको मीडियम क्वालिटी के रेंज में आपको जर्मन शेफर्ड मिलेगा। अगर आपको डबल क्वालिटी हाई क्वालिटी का चाहिए तो 15,000 से लेकर 20,000 तक भी ये डॉग ब्रीड का प्राइस जा सकता है। बट वन ऑफ द बेस्ट डॉग ब्रीड होती है, पुलिस आर्मी में ऐसे बहुत सारे जगह पर इन डॉग ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जो सेकंड नंबर के डॉग ब्रीड पे आता है वो है कि रॉटवालर। रॉटवालर भी एक प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड है और सब बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बट एग्रेसिव क्यों है कि बचपन से इनको सोशलाइज और ट्रेनिंग सही से नहीं दी जाती। तो अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको ले तो लेते बट उनको ध्यान नहीं रखते प्रोटेक्शन किस तरह से उनको सिखाया जाए, किस तरह से एक्टिविटी कराया जाए, जो इनकी एनर्जी होती है वो एक सही वे में यूज़ करना चाहिए वो नहीं करते, जिसके कारण ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है। बट अगर आप इनको काफ़ी अच्छे से रख सकते हो तो ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव डॉग ब्रीड बनती है और घर के प्रोटेक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप फार्म हाउस गांव में रहते हो, कहाँ पहाड़ी इलाकों में अगर आप रहते हो वहाँ पे भी इन डॉग ब्रीड का आप रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ये डॉग ब्रीड आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये लास्ट टाइप की डॉग ब्रीड होती है, इनके खाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपको हो सकता है। और इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो इनकी लाइफ स्पेन 10 से लेकर 12 ईयर तक इनकी लाइफ स्पेन होती है। ये आपको ब्लैक एंड टैन कलर में मिल जाएंगे और मोस्ट ऑफली वही पॉपुलर कलर आप इनको बोल सकते हैं कि वही कलर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आता है वो है कि फ्रेंडली डॉग ब्रीड का, वो है कि गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंडली डॉग ब्रीड माना जाते हैं। काफ़ी लविंग नेचर के होते हैं, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं, घर में भी अच्छे से प्लेइंग फुल नेचर के होते हैं, ये आपके फैमिली के साथ आसानी से एडजस्ट भी हो सकते हैं। इनको 2 या 3 BHK में आप आसानी से रख सकते हैं, डेली वॉक का सख्त जरूरत होती है और बचपन से सोशलाइज और ट्रेनिंग जरूर से दीजिए। ज़्यादा लाड़ अगर आप करोगे, ज़्यादा प्यार करोगे तो डॉग ब्रीड बिगड़ सकते हैं, इसलिए वेल डिसिप्लिन में आपको इनको रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी प्राइस की बात करें तो थोड़ा बहुत इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बट आप देखोगे कि क्वालिटी भी सामने अगर आपको ऐसी मिल रही है तो उस हिसाब से आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको मिलेगी। और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो 18,000 से लेकर 25,000 की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, ये थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार रुपये कॉस्टली हो सकता है बट अगर आप थोड़ा बार्गिंग करते हो, फीमेल लेते हो और भी थोड़ा रिसर्च करते हो तो आपको 1-2 हज़ार रुपये कम आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो 10 से लेकर 12 ईयर तक इनकी लाइफ स्पेन होती है। तो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आता है वो है बीगल डॉग ब्रीड। बीगल डॉग ब्रीड आप देखोगे तो ये स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं, स्मॉल अपार्टमेंट में, स्मॉल हाउस में काफ़ी अच्छे से रह लेते हैं, प्लेइंग फुल आप बोल सकते हैं डॉग ब्रीड है। और इनकी लाइफ स्पेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है, 12 से लेकर 15 ईयर तक होती है। और इंडिया में अभी इनका प्राइस काफ़ी हद तक कम हो चुका है, 15 से लेकर 20,000 के रेंज में आपको अच्छा बीगल डॉग ब्रीड मिल जाता है। इनको अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हो तो भी काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। घर में ये आप देखोगे कभी कभार तोड़ फोड़ करते हैं, खेलते हैं, कभी फाड़ते हैं बट बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्लेइंग फुल आपके डॉग ब्रीड देखने को मिलेंगे। वेल मेंटेन आप इनको आसानी से रख सकते हो, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता खाने के ऊपर, बस इनको ग्रूमिंग करना और इनको ध्यान रखना और साफ़ सफाई करना, इसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है बट उतना आपको नॉर्मली होता है, उतना तो डॉग के लिए करना ही पड़ता है। बट वेल अगर इनको अगर आप ट्रेन करते हो, बात बात पे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो तो अच्छे से ट्रेन भी हो जाते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ इनको समझ नहीं आती तो अच्छे से करते भी नहीं और जल्दी से बिगड़ जाते, इसलिए इनको ध्यान रखना। इनको काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव डॉग ब्रीड आप बोल सकते हो, इसलिए इनको आपको आसानी से अच्छे से वेल ट्रेन आपको इनको बनाना पड़ता है। तो गाइस जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है कि पग डॉग ब्रीड। ये स्मॉल टाइप की डॉग ब्रीड होती है और आप देखोगे कि इनकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल में भी इन डॉग ब्रीड को ले जा सकते हो। ये जो है छोटे अपार्टमेंट में 1 BHK 2 BHK में आसानी से रह सकते हैं। इनका मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा कम आता है, ये घर के खाने से भी आसानी से रह लेते हैं बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, इनके बॉडी के ऊपर, इनके स्किन एलर्जी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कभी कभार ये सेंसिटिव होने के कारण जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए जो वेदर चेंज होता है तभी भी आपको इनको काफ़ी हद तक ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। और आप देखोगे कि इनकी प्राइस जो है इंडिया में 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आसानी से मिल जाएगी आपको, अच्छी क्वालिटी का लोगे तो भी।
अगर आपको टॉप क्वालिटी का एकदम चैम्पियन लाइन का चाहिए पग, तो आपको 15,000 से 25,000 के बीच में भी रेंज जा सकती है, बट आप बार्गिंग करके अच्छे से 20,000 के अंडर काफ़ी अच्छे से एक अच्छा पग आप ले सकते हो। फीमेल का प्राइस और 2 से 3 हज़ार रुपये कम हो सकता है। इनको ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरी है और एक्टिविटी खास करके इनके साथ आपको करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट डॉग ब्रीड आती है वो है कि लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड हो चुकी है, आपको कहीं ना कहीं लैब्राडोर तो ज़रूर से देखने को मिलेंगे। लैब्राडोर के कलर भी बहुत सारे आते हैं, ब्लैक, चॉकलेट, येलो और ऐसे बहुत सारे कलर में आपको मिल जाएंगे, थोड़े बहुत क्रीम कलर में भी आपको मिल जाएंगे। ये आसानी से मेंटेन भी रहते हैं, इजी टू ट्रेन भी है, सोशलाइज भी जल्दी से अच्छे हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड बन चुके हैं, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। इन डॉग ब्रीड की प्राइस की बात करें तो ये आपको जैसे कि 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में मिल जाएंगे, और एकदम नॉर्मल क्वालिटी अगर आप देख रहे हो तो वो आपको 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको भी देखने को मिल जाएगी। ये डॉग ब्रीड का खाने का आप देखोगे तो घर का खाना भी अच्छे से खा लेगा, अगर आपको कुछ डाइट अच्छे से बनाना है तो उसके हिसाब से भी डॉग ब्रीड अच्छे से रह लेते हैं। इन डॉग की लाइफ स्पैन 10 से लेकर 13 ईयर तक होती है। अगर आप इनको अच्छे से सोशलाइज ट्रेनिंग देते हो तो काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन भी डॉग ब्रीड रह लेते हैं। तो गाइस, आशा करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो फिर लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। इनमें से आपके पास कौन सा डॉग है और कौन सा लेने की सोच रहे हो तो भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप ज़रूर से बताना, और हमारे बाकी वीडियो भी देख सकते हो, डाइट प्लान अच्छे से बहुत सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।